नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूपी में ही मौजूद हूं। अभी 5 दिन हो गए हैं, यहां के हालात हम लोग देख रहे हैं, कैसे हालात है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ये कुछ लड़कियाँ हैं जो यहाँ आज माँ सरस्वती की पूजा कर रही थी। इन्होंने हवन वगैरह यहाँ किया है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आपका स्कूल है? नहीं, स्कूल नहीं है, ये कोचिंग सेंटर है। हम लोग 6th to 12th यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर पर कोई स्कूल नहीं है प्राइवेट। एक बेसिक स्कूल है जहाँ पे बच्चे केवल कक्षा 1 से 5 तक ही पढ़ पाते हैं। 6 से 12 तक हम लोग यहाँ पे उनको 3 से 4 घंटे तक यहाँ ट्यूशन की तरह पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन आपके जो विधायक हैं लोकेंद्र जी, जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने आपके विधानसभा में स्कूल बहुत अच्छे अच्छे बनवा दिए हैं। जी, बनवाए होंगे, पर इधर हमारे इधर नहीं है। आपके यहाँ कोई स्कूल नहीं है? नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा, कोई चिकित्सालय यहाँ पर गांव में? गांव में नहीं है, लेकिन यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जो उन्हीं का गांव है विधायक जी का, वहीं पर है। अच्छा, तो आप यहाँ जो शिक्षा, आप आपस में मिलकर ये कोचिंग सेंटर छोटा सा आपने बनाया है, यहाँ कोई टीचर भी अपॉइंट किया, खुद ही आप पढ़ाते हैं? नहीं, मैंने BTC कर रखी है, मैं इस समय BEd कर रही हूँ। और हमारे साथ के जो लोग हैं गांव के, वो भी सब BEd BTC वाले हैं। तो जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, यहाँ के बच्चों को दिक्कत थी पढ़ाई में, इसलिए फिर हम लोगों ने ये सोचा कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तब तक गाँव के बच्चों को ही ऐसे ही यहाँ बुला के पढ़ा रहे हैं। 3-4 लोग हैं हम लोग। सुना आपने, यहाँ पर शिक्षा इतना बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इन लोगों को शिक्षा नहीं मिली है या ये शिक्षित नहीं है, लेकिन जिन लोगों को शिक्षा मिल चुकी है वो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं। और आगे जो आने वाला भविष्य है देश का, जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा तो बिल्कुल बंद ही है, क्योंकि ना तो यहाँ स्कूल है ना यहाँ कॉलेज है। ये जो शिक्षित लोग हैं आपस में ही मिलकर यहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। विद्यालय यहाँ नहीं है, लेकिन इस तरीके से यहाँ एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इनका प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, ये देख लीजिए। मतलब इस हाल में, ये हाल आप देख सकते हैं, इस हाल में कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई भी सुविधा नहीं है। ये आप देख सकते हैं हाल यहाँ पर, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ कुछ भी नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था, ना यहाँ पर के मतलब व्यवस्था के नाम पर सब कुछ ज़ीरो है। उसके बाद भी इन लोगों का जज्बा देखिए, इन लोगों ने हार नहीं मानी, आपस में मिलकर अपने बच्चों को, अपनी बहनों को खुद ही प्राइवेट कोचिंग यहाँ देनी शुरू कर दी, ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो ज़ीरो ना हो, कम से कम शिक्षा जो है आने वाले बच्चों की वो चालू रहे और यहाँ पर सभी लोग शिक्षित हो सकें। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़।